करते हैं दोस्तों, जो वीडियो पहले अपलोड की थी उसमें इनका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। कल वाले दिन की जो वीडियो थी, इनका सेकंड डे था या थर्ड डे था, ऐसे ही था। तो आज देखिए बहुत इम्प्रूवमेंट है, स्पीड भी बढ़ चुकी है टू सम एक्सटेंट। स्पीड बढ़िया फ्लो में चलने लगी है स्कूटी, पैर हवा में जाने लगे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। बढ़ाइए स्पीड, बढ़ाइए नज़र आगे, सीधे, वेरी नाइस, देख सकते हैं दोस्तों, बढ़िया रिदम में गाड़ी जाने लगी है। तो वन एंड ओनली थिंग, हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ मैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखिए एक ही टॉपिक रोज़ उठ रहा है, अगर मैं वीडियोस स्कूटी से रिलेटेड सारी वीडियोस डालूँ तो क्या कितना स्कूटी कितना वीडियो डालूंगी। कमेंट्स आते हैं क्या स्कूटी की जान ले लेगी, तो फ्रेंड्स स्कूटी के साथ में अब अदर सारी वीडियोस भी अपलोड होंगी, तो अलग अलग प्लेलिस्ट में सारा रहेगा। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करिए यार, जो जितनी भी फ़नी वीडियोस प्रैंक्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, आप भी देखिए ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, इसी प्रैक्टिस से आपका बैलेंस बनेगा। डेली ये प्रैक्टिस करते रहिए और विद इन 2 और 3 आवर्स तो बैलेंस बन ही जाता है लगातार प्रैक्टिस के ना। तो 1 2 3 घंटे अगर आप ये प्रैक्टिस करें तो आप बहुत अच्छे राइडर बन जाओगे। देख सकते हैं दोस्तों स्कूटी को टर्न कर लिया, बढ़ाइए स्पीड, बढ़ाएंगे सीधे नज़र आगे रख के, सीधे बढ़ाएंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्रेक दबा दिया, बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, कंटिन्यू कंटिन्यू। देखिए सेम प्रैक्टिस, एज सच ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी बिगिनर्स हैं स्कूटी देख के मन के अंदर डर लगता है, तो फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं, डर के कोई भी काम सॉल्व नहीं होता है। बार बार कोशिश करिए, भले ही गाड़ी गिर जाए, तिरछी हो जाए, तो बहुत माइंड मत करिए उस बात को। बस ये ध्यान रखिए कि आपको चोट नहीं आनी चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखिए। गाड़ी थोड़ा बहुत तिरछा होते रहता है, वो बहुत मैटर नहीं करता, सीखने में थोड़ा सा होता ही है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। देखिए और जितनी मेरी कम हाइट की बहनें हैं, सभी स्कूटी यामाहा की रेजर स्कूटी बहुत बढ़िया है, अगर उससे कम हाइट है उनकी। और तो स्कूटी टीवीएस की, टीवीएस की पैप, टीवीएस की वीगो और यामाहा की रेजेड और एक्टिवा आई, ये सारी छोटी हाइट की स्कूटियां हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है सभी स्कूटियों का, तो कोई सी भी ले लीजिए। और जिनकी हाइट अच्छी है, एक्टिवा, मेस्ट्रो और टीवीएस की जुपिटर, फसिनो, ये सारी स्कूटियाँ ले सकते हैं। स्कूटी सभी अच्छी होती हैं, कोई अच्छी बुरी इस टाइप से कुछ नहीं रहता है। बट ध्यान रखिए कि जिस शोरूम से आप स्कूटी ले रहे हैं वहाँ पार्ट्स जल्दी अवेलेबल हो जाएं। अगर स्कूटी शोरूम पे पार्ट्स तुरंत अवेलेबल नहीं हो पाते तो ये देखने वाला मैटर है कि पार्ट्स अवेलेबल हो पाते हैं या नहीं। देखिए हमारे इलाके जो इंटीरियर हैं इनके लिए ये है, अदरवाइज़ बाहर साइड को तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तुरंत पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। इंटीरियर एरियाज़ के लिए बता रही हूँ। तो दोस्तों देखिए बैलेंस पहले से मुझे तो बहुत इम्प्रूवमेंट लग रहा है, आई होप कि आपको भी इम्प्रूवमेंट लगा हो। देख सकते हैं काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट है। तो दोस्तों वन एंड ओनली थिंग, हर बार यही कहूँगी मैं
कि प्रैक्टिस करते रहिए, ये मत सोचिए कि मुझे बैलेंस नहीं मिल पा रहा, मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है। कल से आज, मैं कल क्या थी, आज क्या हूँ और कल आने वाले दिन में क्या होंगी, ये अंतर देखिए। फ्रेंड्स, अभी मुझ में, मैं यूट्यूब में काम स्टार्ट की हूँ, मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं जिनको मुझे इम्प्रूव करना है। तो बट सेटिस्फाई हूँ मैं, बिकॉज़ मैं पहले क्या थी, मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए और अभी की वीडियो देखिए और आने वाले 2 महीने बाद की वीडियो देखिए, आप खुद कंपेयर करिए और फिर बताइए मुझे कि है कुछ इम्प्रूवमेंट है। तो देखिए, मैं तो सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मुझे अपना इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो आप स्कूटी सीखने में आप अपने आप से अपना इम्प्रूवमेंट देखिए, और स्कूटी सीखना ही क्या, कुछ भी अगर आप सीख रहे हैं तो पहले कितना कर लेते थे और अभी कितना कर रहे हो, और आने वाले 1 महीने बाद, एक साल बाद कितना कर लोगे, ये सोचिए इससे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो भी ज़रूरी है, सेटिस्फाइड नहीं हो तो प्रैक्टिस करोगे आप ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के लिए, तो ये है। और प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा सेटिस्फाई की सेटिस्फेक्शन की तलाश में रहोगे तो आपको सक्सेस मिलनी बहुत नज़दीक होगी, सक्सेस आपके। आई थिंक स्कूटी ऑफ हो गई है ब्रेक के साथ, सेल्फ, जब आपकी स्कूटी ऑफ, ब्रेक के साथ सेल्फ दबाइए। तो फ्रेंड, जब भी आपकी स्कूटी ऑफ होती है तो उस टाइम पे ध्यान नहीं रहता, ब्रेक के साथ सेल्फ लीजिएगा, केवल सेल्फी सेल्फ प्रेस करते हैं हम, तो ये गलती ना करें, ब्रेक और ब्रेक के साथ सेल्फ दबाइए। देखिए दोस्तों, बढ़िया, बढ़िया रिस्पांस के साथ संभलने लगी है, पैर हवा में जाने लगे हैं, इम्प्रूवमेंट। ये लगभग 10 मिनट की वीडियो बनेगी जिसमें आप देख सकते हैं कितना इम्प्रूवमेंट है। जो है वैसे वैसा ही गिरना उठना जो भी है, इनका गाड़ी टेढ़ी जा रही है, सीधी जा रही है, पूरा एज सच वैसी ही वीडियो अपलोड करनी है मैंने, कोई एडिटिंग नहीं होगी वीडियो में, छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो क्योंकि आपको मैं जो रियलिटी है, सीखने में जो दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, जो सबके साथ इश्यू रहता है, केवल आपके साथ नहीं, वो वीडियो आपके बीच रियल वीडियो लाना चाह रही हूँ। तो दोस्तों देखिए और कोशिश करिए कि किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस लेवल अप रहना चाहिए। और प्रैक्टिस करते रहिए, परफेक्टनेस खुद ही चल के आपके कदमों में गिरेगी। बढ़ाइए 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 बढ़ाइए। बढ़िया, तो दोस्तों इसी राउंड के साथ देखिए, बढ़िया तरीके से गाड़ी टर्न किया था, बट गाड़ी थोड़ा सा तिरछा हुआ तो संभाल ली थी, संभालना आना चाहिए आपको बस, ये नहीं गाड़ी गिरने वाली है और स्पीड और तेज़ बढ़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियोस कुछ बहुत हेल्प करती हों, बाकी आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है फ्रेंड सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों एट लास्ट मैं दीप्ति बिस्ट बस इतना ही कहना चाहूँगी कि स्कूटी अच्छे से सीखिए, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, स्कूटी सीखना बहुत बड़ा मैटर नहीं है, हर सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल करिए। तो फ्रेंड्स एट लास्ट
जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।